सर कह रहे हैं स्टेट का अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। सिलेबस जो पहला बार जारी हुआ था, जो विज्ञापन है, विज्ञापन में जो किया हुआ है उसी लाइट में एग्जाम होगा। विज्ञापन में सिलेबस को लेकर के कुछ क्लेरिफाई नहीं ना किया जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा? फर्स्ट एग्जाम में जो था, फर्स्ट एग्जाम में सिलेबस नहीं ना दिया गया था अलग से? जैसे बात है क्या ना सर कि फर्स्ट एग्जाम पे आप जैसे उसे का मतलब नहीं है, पहला एग्जाम का ही पुनर्परीक्षा हो रहा है तो सिलेबस वही रहेगा जो एग्जाम पूछी गई थी। तो मेरा एक बात सुन ले सर थोड़ा सा, जो आप कैंसिल किया गया है एग्जाम को, उसमें तो सिलेबस को दिया गया है कि सिलेबस के मतलब सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आने के कारण रद्द किया जा रहा है। बताएंगे ना सर सिलेबस क्या रहेगा, हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं? सिलेबस नहीं रहेगा, हम लोग जो लिखे थे किसी में खाली सोशल साइंस में हम लोग बोले थे कि चार ग्रुप होने चाहिए बस, उसके कहने का मतलब जैसे सारा का सारा वही रहेगा, सिर्फ सोशल साइंस का सबसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यही है। एग्जाम का ही पुनर्परीक्षा हो रहा है तो सिलेबस वही रहेगा जो एग्जाम पूछी गई थी। तो मेरा एग्जाम में जो था, फर्स्ट एग्जाम में सिलेबस नहीं ना दिया गया था अलग से? जैसे बात है क्या ना सर कि फर्स्ट एग्जाम पे आप जैसे उसे का मतलब नहीं है, पहला एग्जाम का ही पुनर्परीक्षा हो रहा है तो सिलेबस वही रहेगा जो एग्जाम पूछी गई थी। तो मेरा एक बात सुन ले सर थोड़ा सा, जो आप कैंसिल किया गया है एग्जाम को, उसमें तो सिलेबस को दिया गया है कि सिलेबस के मतलब सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आने के कारण रद्द किया जा रहा है। बताएंगे ना सर सिलेबस क्या रहेगा, हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं? सिलेबस नहीं रहेगा, मतलब हम लोग जो लिखे थे किसी में खाली सोशल साइंस में हम लोग बोले थे कि चार ग्रुप होने चाहिए बस, उसके कहने का मतलब जैसे सारा का सारा वही रहेगा, सिर्फ सोशल साइंस का सबसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यही है ना भैया? ये तो कोर्ट में हम लोग बता चुके हैं, उस पर कोर्ट डिस्पोजल किया नीरज वाले मामले में। अच्छा, हम लोग ऑर्डर पास किए हैं, उसमें जाँच में ही पाया गया सिर्फ सोशल साइंस, क्यों तबाह करते हो तुम लोग? जैसे सर क्लेरिफाई नोटिफिकेशन में नहीं किया गया, क्या नोटिफिकेशन सर जगह नोटिफिकेशन जाता है? कहने का मतलब है कि जो भी था सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ सोशल साइंस का चारों पोर्शन से पूछा जाएगा यही बात है ना सर? कहने का मतलब जैसे सारा का सारा वही रहेगा, सिर्फ सोशल साइंस का सबसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यही है ना भैया? ये तो कोर्ट में हम लोग बता चुके हैं, उस पर कोर्ट डिस्पोजल किया नीरज वाले मामले में। अच्छा, हम लोग ऑर्डर पास किए हैं, उसमें जाँच में ही पाया गया सिर्फ सोशल साइंस, क्यों तबाह करते हो तुम लोग? जैसे सर क्लेरिफाई नोटिफिकेशन में नहीं किया गया, क्या नोटिफिकेशन सर जगह नोटिफिकेशन जाता है? कहने का मतलब है कि जो भी था सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ सोशल साइंस का चारों पोर्शन से पूछा जाएगा यही बात है ना सर? तो जैसा कि सभी ने ये बात सुनी है कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ तौर से आप सुन रहे हैं कि जो छात्र हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों से जो बीएसपी बोर्ड में बैठे रहते हैं। किस प्रकार का जवाब है इन लोगों का वो आपने सुना। साफ तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार एक पहला राज्य है जहां पे बिना सिलेबस के परीक्षा होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये तानाशाही जो है इतनी हद चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि बिना कोर्ट के फैसले का इंतजार किए हुए शिक्षा विभाग जो है अपनी मनमानी पे उतारू हुआ है। सभी ने ये खबर तो देख ली होगी, सुबह ही आ गई थी, और ये खबर मुझे भी मॉर्निंग में ही पता लग गई थी कि एडमिट कार्ड जो है उसको डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT ऑनलाइन करवाने के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया है उसके बारे में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी सभी ने देखा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई थी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता STT 2019 की पूर्व परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी तथा उनके अभिभावक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, और देखिए लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 9 तारीख से लेके 21 तारीख तक का दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आज की न्यूज है इसमें परीक्षा की तिथि में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक शॉर्ट इसका जो है छोटा सा एक कट भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले वही देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है, आप नीचे देख सकते हैं कि पटना से ये अपडेट आ रही है, बिहार झारखंड, ठीक है, ऑफिशियल न्यूज है ये,
मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके इसको, ये देखिए बिहार झारखंड गुरुवार को इसमें देखिए ये जो खबर आ रही थी इसी के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 सितंबर को होगी एसटीटी की परीक्षा। यानी कि बिहार बोर्ड के तरफ से जो रणनीति तैयार की जा रही है उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो परीक्षा है वो 20 सितंबर को होगी एसटीटी की परीक्षा। और ऑफिशियल आप देख सकते हैं जो विज्ञप्ति जारी की गई इसमें 9 तारीख से कहा गया है कि परीक्षा होगी। ऐसे में कह सकते हैं कि एक उलझन जो है वो बरकरार है। और मेन मुद्दों पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, जैसा कि आपने एडमिट कार्ड को लेके तो नोटिस नोटिफिकेशन देख ही लिया है, लेकिन आज की न्यूज में जो बिहार झारखंड जो ऑफिशियल न्यूज है इसमें ये बताया जा रहा था कि एसटीटी की जो परीक्षा है इसकी तिथि में बदलाव किया गया है और जो परीक्षा है वो 20 सितंबर से कराई जाएगी। तो इतना गैप बीच में क्यों है? और दूसरी बात यह है कि जो एडमिट कार्ड आज से जो डाउनलोड करने के लिए जो लिंक एक्टिव किया गया है और ये बात कही जा रही है कि भाई एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो रहे हैं, तो एडमिट कार्ड आ जाना और कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करना, इससे एक बात साफ तौर पे यह समझ में आती है कि भाई या तो जो कोर्ट है उसको बिहार बोर्ड ने खरीद लिया है या जज साहब से पहले ही बात हो गई है कि भाई किसी भी कीमत पे रिजल्ट को जारी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं आपको कि जो इतना कॉन्फिडेंस जो दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा जो कॉन्फिडेंस जो ये दिखाई दे रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग पे कि उसके लिए कोर्ट के कोई भी मायने नहीं रह जाते हैं, मतलब उन्हें कोर्ट से कुछ लेना ही देना नहीं है। कोर्ट में क्या फैसला आएगा, क्या फैसला आगे कुछ होगा, इन सब चीजों से जो बिहार बोर्ड है उसका कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। यही कारण है कि जो बिहार बोर्ड है वो अपने काम को यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड की तिथि घोषित करना, सेंटरों के लिए लेटर जारी करना, तमाम कार्रवाई को अपना जो है वो सीक्वेंस से आगे बढ़ा रही है। यानी कि पटना हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना विभाग जो है अपनी मनमानी से जो है प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 सितंबर से एसटीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। चलिए और कुछ क्या क्या अपडेट है देखते हैं। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं कि एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं कि किस प्रकार से आपका परीक्षा में कौन कौन सी पालियां बनाई गई है। 7 बजे से देखिए 11 बजे तक और पूर्वाहन 7 से 11 देखिए यहाँ पे तृतीय यहाँ पे प्रथम पाली, द्वितीय पाली और 3 पाली जो है वो बनाई गई है परीक्षा की। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 की पुनः परीक्षा प्रवेश पत्र दिनांक 3/9/2020 के से समिति की वेबसाइट पे ये लोग कह रहे हैं कि आज से जो है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा का विषय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय इत्यादि का विवरण अंकित रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं कि कई सारे छात्रों का ये भी कहना है कि वो होने वाली ऑनलाइन एसटीटी परीक्षा का बहिष्कार इसलिए करते हैं कि बिना सिलेबस के परीक्षा जारी की जा रही है। देखिए, जो परीक्षा रद्द की गई थी बिहार बोर्ड के द्वारा, जो परीक्षा पहले रद्द की गई थी उस परीक्षा को रद्द करने का मेन कारण यही था कि उस समय भी ये बात रखी गई कि सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि जो सिलेबस था उसके अनुसार जो प्रश्न है वो नहीं पूछे गए हैं और जो सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस था उससे प्रश्न, इस तरह की खबरें आई थी कि उससे प्रश्न अधिक पूछे गए थे, जो भी आप समझ सकते हैं। और उसमें ये बात रखी गई थी, परीक्षा रद्द होने का कारण ये बताया गया था कि भाई जो सिलेबस है उसमें गड़बड़ी है। और जैसे ही छात्रों की कुछ अधिकारियों से बात हुई है जो कि बिहार बोर्ड में बैठे रहते हैं, उनसे जब वार्ता हुई है तो उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो सिलेबस आपका पहले जारी किया गया था उसी पे परीक्षा होगी। यानी कि पहले वाले सिलेबस को तो गलत बताया गया था कि भाई ये सिलेबस जो है ये गलत है, तो फिर उस पे ही परीक्षा जो है करवाने की बात कही जा रही है। आगे देखिए इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ये देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि
के कम से कम एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर ले ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने की कोई कठिनाई ना हो। दिव्यांगजन अभ्यर्थी को श्रुति लेखन की सुविधा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक के द्वारा मिलेगी। तो ये तमाम बातें जो है लिखी है सब पढ़ चुके होंगे आप। कोविड 19 के रोकथाम के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी देख लीजिए इसमें। ये इस प्रकार का देखिए हम कह सकते हैं कि भाई आप ले सकते हैं कि एस टीयर 19 परीक्षा का एडमिट कार्ड सरकार के तरफ से युवाओं और न्यायालय को का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि भाई न्यायालय और हाई कोर्ट का मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि भाई बिना कोर्ट के फैसले के इतिहास गवाह है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। मैं अपनी वीडियो में आपको बताते रहा हूं, लेकिन फिर भी या तो कोर्ट बिक चुका है या फिर जो है शिक्षा विभाग ने कोर्ट को खरीद लिया है, जहां पे कि अभ्यर्थियों को के बातों का यानी कि जो भी छात्र हैं उनको उनको न्याय का जो एकमात्र रास्ता था वो भी अब जो बिहार का जो कोर्ट है वो बिक चुका है। क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के निर्देश जारी करना ये विभाग ही कर सकता है। तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कैसे कैसे बात हुई थी, ठीक है? फिर अपडेट जो होगी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।